हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं करने जा रहा हूं बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा और ये हमारा पहला दिन है। और अभी हम रुके हुए हैं मुजफ्फरनगर रोड पे, हाईवे पे, और चाय पानी वगैरह ले रहे हैं। देख सकते हो चाय बन रहा है हमारा। तो इसके बाद हम रुकेंगे हरिद्वार में। तो हमारे साथ है नवीन भाई, सौरभ भाई, बोल दे भाई कुछ। तो बाबा केदारनाथ की यात्रा बाई रोड करने वाले हम बाइक से। तो पूरी जर्नी हम दिखाने वाले हैं आपको, हरिद्वार से लेकर और केदारनाथ तक की, और क्या क्या मुश्किलें आएंगी और क्या क्या रास्ते में परेशानी आएंगी, वो सब बताएंगे हम आपको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर देना अच्छा लगे तो। बाकी काले भाई हेलो तो बोल दे। तो मिलते हैं आपसे अब हरिद्वार में। हम बाकी चाय पानी पी लेते हैं। तो दोस्तों हमारी चाय बनने वाली है, देख सकते हो आप, और नाश्ते का अंबार लगा हुआ है। बाकी चाय में उबाल आने वाली है। हवा चल रही है बहुत तेज, देख सकते हो आप। बिल्कुल पेड़ के नीचे बैठे हुए हम। और ये बाइक है हमारी तीन, देख सकते हो, तीन बाइक पे हम पांच बंदे हैं। बाकी कितना कॉस्ट आएगा सब बताएंगे इस वीडियो में आपको। जो हमारा भाई मंकू है, हमारा भाई मंकू, और सौरभ भाई कुछ तो बोल दे। तो दोस्तों हमारी चाय बन चुकी है और चाय पी रहे हैं हम। चाय पी सकते हो आप हमारे साथ। संतोष भाई एक नंबर की चाय कैसी थी भाई सौरभ? भाई एक नंबर की चाय बना रखी, बढ़िया थी चाय। अब इसके बाद सीधा हम हरिद्वार रुकेंगे। कितना किलोमीटर है हरिद्वार यहाँ से? 65 किलोमीटर हरिद्वार है। तो हरिद्वार में एंट्री करते ही वहाँ का नज़ारे दिखाएंगे आपको, और हर की पौड़ी का, और बाकी हरिद्वार जाके हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे केदारनाथ के लिए। तो सारी जानकारी देने वाले हैं आपको। बंगले बैठा भाई। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय केदारनाथ बाबा जी। बस हर की पौड़ी के नजदीक पहुंच गए हम, और अभी हरिद्वार का नज़ारा दिखाते हैं आपको। चले भाई निकले। जय हो महादेव। और ये हमारा नवीन भाई पल्सर पे। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। हरिद्वार का सिग्नेचर भी इतना दिखा दे, दिल्ली का रत्न देख लिया। गाड़ी जागा मेरी गल सकते हो दोस्तों, क्या गजब का नज़ारा है। अभी हर की पौड़ी पे पहुंचने वाले हैं। हर की पौड़ी पे आने वाले हैं बस। बाकी नज़ारे देखिए आप हरिद्वार के। काफ़ी रश है हरिद्वार में, भीड़ बहुत ज़्यादा है। पता नहीं आज लगता है कोई स्नान है, इस वजह से यात्री काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं हर की पौड़ी पे। सौरभ भाई, सौरभ। तो अभी हम हर की पौड़ी पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो नज़ारे देख सकते हो आप हर की पौड़ी का। तभी जाएंगे घाट पे और स्नान करेंगे। कहाँ पहुँच गए भाई? बाइक लेके हम पहुँच गए हर की पौड़ी पे। बिल्कुल ये देख सकते हो सामने हर की पौड़ी है। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी पे। ये हमारे पीछे देख सकते हो हर की पौड़ी है। तो अब जाएंगे और स्नान करेंगे, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे केदारनाथ धाम की और फिर निकलेंगे। देखते हैं और बाकी आगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हमारा टारगेट है वैसे देवप्रयाग का स्टे करने का। तो देखिए हर की पौड़ी के नज़ारे और भीड़ देख सकते हो आप। यात्रियों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। दोस्तों नज़ारे देख सकते हो आप। और यहाँ देख सकते हो छलांग लगाया जा रहा है, ऊपर से कूद रहे हैं बच्चे नीचे गंगा में। और भीड़ के नज़ारे आप देख सकते हो। पहली बार इतनी भीड़ देख रहा हूँ मैं। या तो कुंभ के मेले में होता है या फिर कोई खास स्नान होता है उसी दिन इतनी भीड़ होती है। और बाकी गर्मी का भी मौसम है तो यात्री ज़्यादातर हरिद्वार आते हैं स्नान करने के लिए। बाकी देखिए आप हर की पौड़ी के नज़ारे, लाजवाब नज़ारे, माँ गंगा की सुंदरता। जल जो है बिल्कुल साफ है। अभी थोड़ा सा मटमैला है क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है, इस वजह से देख सकते हो आप। ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा है, मटमैला जल है। हर हर महादेव, जय गंगे मैया। बाकी हमारे दोस्त जो हैं गंगा में उतर चुके हैं स्नान करने के लिए। तो देख सकते हो नहा रहे हैं सभी, जय गंगे मैया। बाकी नज़ारे देखिए आप हर की पौड़ी का। भीड़ देख सकते हो कितनी है। तो हर की पौड़ी पे हमारा स्नान हो चुका है, नहा चुके हैं हम यहाँ से। अब यहाँ से हम जाएंगे अब सीधा केदारनाथ के लिए और हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है बाबा केदारनाथ धाम की। तो चलते हैं आप, उठाते हैं अपनी बाइक और निकलते हैं यहाँ से केदारनाथ के लिए सीधा। दोस्तों ये आ गई है हमारी डीलक्स थाली और ये थाली पड़ी है हमारे को 100 रुपये की। देख सकते हो कड़ी पकौड़ा है, दाल मखनी है और मटर पनीर और ये तवे की रोटी। और ये थाली पड़ी है ओनली 100 रुपये की हमारे को हरिद्वार में। तब खाना खा के हम निकलेंगे यहाँ से देवप्रयाग के लिए। नहीं सौरभ भाई ठीक है खाना। अब निकलेंगे हम यहाँ से देवप्रयाग और अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं। तो खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आगे आपसे। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश बस स्टैंड पर और रजिस्ट्रेशन यहीं पे होता है। मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे होता है 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन। और मैंने केदारनाथ बद्रीनाथ का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ये देख सकते हो ये बार कोड मिला है और मुझे कल की डेट ही मिल गई है केदारनाथ के लिए। तो मैं कल ही यहाँ से निकल सकता हूँ। और इस पर जो है इस रजिस्ट्रेशन पर 1 हफ्ते का टाइम है और मैं 1 हफ्ते के अंदर मैं इस यात्रा को कर सकता हूँ। किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आप आ सकते हो यहाँ पर और साथ के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा भोलेनाथ की यात्रा में कोई समस्या नहीं है। बाकी मैं दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन करीब से आपको कहाँ पे हो रहा है। ऋषिकेश बस स्टैंड पे, खास ये बस स्टैंड है देख सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, आप देख लीजिए। यहीं पे आप आओगे बस स्टैंड पे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों ऋषिकेश के नज़ारे देख सकते हो आप। काफ़ी जाम है ऋषिकेश में देख सकते हो। अभी ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा क्योंकि शाम के टाइम थोड़ी सी है ना भीड़ हो जाती है ऋषिकेश में। देख सकते हो आप। तो बस राम झूले के पास पहुंचने वाले हैं आप। तो आपको कराते हैं राम झूले के दर्शन। राम झूले का दर्शन। दोस्तों आप रोड के कंडीशन देख सकते हो, बिल्कुल एक नंबर का रोड बना हुआ है, डबल लेन है और चौड़े रोड है बिल्कुल केदारनाथ जाने के लिए। बीच बीच में थोड़ा बहुत संकरा रास्ता है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, रोड ओके है। थोड़ी बहुत जगह है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में, बाकी आप नज़ारे देखिए, पर्वतों के नज़ारे देख सकते हो आप। इससे सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे नहीं, और ये नज़ारे जरूर देखने को मिलेंगे जब आप अपने व्हीकल पर जाओगे या अपनी गाड़ी से जाओगे। तो देख सकते हो यहाँ पे राफ्टिंग के लिए आए हुए हैं सभी ऋषिकेश से, और यही वो पॉइंट है जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है। तो देख सकते हो आप इतना भीड़ है यहाँ पे राफ्टिंग वालों की। हर हर महादेव। ऋषिकेश से निकल चुके हैं हम काफी आगे, और देवप्रयाग में मिलते हैं आपको, बाकी बीच बीच के नज़ारे आपको दिखाते रहेंगे। बाकी नज़ारे देख सकते हो आप रोड के। जय भोले की, हर हर महादेव शंभू। शाम को 6 बज चुके हैं और हमारा टी ब्रेक चल रहा है। बानिया भाई हमारा थक गया है बिल्कुल, थकावट होगी भाई। भाई 300 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। कितने किलोमीटर आ गए हम यहाँ टोटल? यहाँ भाई हम आ गए 200, 250, 300 किलोमीटर आ चुके हैं। तो दिल्ली से अब हम यहाँ तक 300 किलोमीटर आ गए। देवप्रयाग कितना रह गया? देव 30 किलोमीटर रह गया बस देवप्रयाग। अब टी ब्रेक के बाद हम यहाँ से अब चलने वाले हैं, फिर देवप्रयाग के नज़ारे दिखाते हैं। बाकी इनकी बातें सुनिए आप, ये क्या बात कर रहे हैं? बातें कुछ नहीं कर रहे, बस मजे ले रहे हैं। हेलो भाई साहब, जन्नत है, आओगे ना, जो भी आएगा, जो भाई भी आएगा ना, जिंदगी के मजे लेगा, जन्नत है। दोस्तों नज़ारे देखिए आप, नीचे का नज़ारे देख लो आप। बाकी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और अब नज़ारे बता बात कैसे हैं? नज़ारे भाई एक नंबर के हैं, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है भाई, कितना फुल एंजॉय। अपने व्हीकल पे आने का यही मज़ा है। दोस्तों ये देवप्रयाग के नज़ारे आप देख सकते हो, हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग पे, और ये हमारा धर्मशाला है, देख सकते हो यहाँ पे हम रुके हुए हैं। और ये धर्मशाला हमारे को 400 रुपये में मिला है ओनली। और ये देखिए भैया नदी के साथ, ये अपने भाई संतोष शर्मा यूट्यूब ब्लॉगर, ये खाना बनाते हुए हमारे लिए सभी के लिए नमकीन चावल बना रहे हैं। दोस्तों ये नमकीन चावल बना रहा है अपना भाई, ये बहुत ही अच्छा हलवाई, एक बहुत अच्छा खाना बनाता भाई। ये हलवाई नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ। यहाँ यूट्यूबर है भाई, खाना बहुत अच्छा बनाता भाई। और सारी बात, इसका खाना जो एक बार खाएगा ना वो जिंदगी भर याद रखेगा भाई। एक बार सौरभ भाई पानी ला, ठीक है भाई अभी पानी लेके आता हूँ मैं भाई के लिए। और हमारे यहाँ से ये प्रोग्राम चलता रहेगा, और जब तक के लिए आप दर्शन करो एक बार फिर से, और उसके बाद ये देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा है, एकदम बहुत अच्छा। तो दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, और ये नज़ारे देख सकते हैं देवप्रयाग। और हमारे को धर्मशाला मिल गया है, और धर्मशाला का नाम है बद्रीनाथ केदार धर्मशाला, बद्री केदार धर्मशाला। और ये देख सकते हो ये है देवप्रयाग का संगम, और ये जो नदी आप देख रहे हो उधर से जो आ रही है ये है भागीरथ नदी, और उधर से जो आ रही है वो है अलकनंदा। और ये संगम आप देख सकते हो, बाकी आपको सुबह टूर कराऊँगा अच्छे से मैं। देवप्रयाग को करते हैं गुड बाय और चलते हैं आप सोनप्रयाग की तरफ। तो कम से कम यहाँ से 5 घंटे लग जाएंगे हमारे को बाइक से। तो चलते हैं अब और उठाते हैं बाइक और निकलते हैं। दोस्तों बाइक पे सामान बांधने की तैयारी हो रही है जो हमारा लगेज है, और इसके बाद हम निकलेंगे सीधा सोनप्रयाग के लिए। दोस्तों फिलहाल हम एंटर कर चुके हैं श्रीनगर में, और ये श्रीनगर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आगे का मार्केट भी दिखाते हैं आपको श्रीनगर का। दोस्तों फिलहाल हम श्रीनगर के मेन मार्केट में एंटर कर चुके हैं, और ये देख सकते हो आप, यहीं पे लेफ्ट में बस स्टैंड भी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो यही है दोस्तों श्रीनगर। मार्केट देख सकते हो, काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे। और ये है दोस्तों बस स्टैंड, ये वाला श्रीनगर का। और ये मार्केट देखिए आप श्रीनगर की। बिल्कुल मैन मार्केट, ये देख सकते हो स्टैचू भी आप, ये बहुत ही पुराना मार्केट है। और यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी गुप्त काशी के लिए, रुद्रप्रयाग के लिए, केदारनाथ के लिए। तो यहाँ से आप ले सकते हो, टैक्सी वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, शेयरिंग टैक्सी। तो अब हम श्रीनगर को स्किप कर रहे हैं, इसके बाद अब हम मिलते हैं आपसे सीधे रुद्रप्रयाग में। नज़ारे देख सकते हो आप, बाई रोड जाने का बाइक पे सबके नज़ारे देखने को मिलेंगे आप। मस्ती नज़ारे के लोग उठाइए आप। और थोड़ी देर में अभी हम रुद्रप्रयाग पहुँचने वाले हैं। काफ़ी रफ्तार से चल रही है, मोटरसाइकिल भी ज़्यादा तेज स्पीड में आगे नहीं बढ़ रही है हमारी। हवा की जो रफ्तार है काफ़ी तेज है। प्रयाग में एंटर कर चुके हैं, और थोड़ा आगे जाके मेन मार्केट है रुद्रप्रयाग का। तो मार्केट भी दिखाते हैं आपको, और मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम भी दिखाएंगे। और रुद्रप्रयाग से ही एक रास्ता जाता है बद्रीनाथ को, और दूसरा रास्ता जाता है केदारनाथ, तो हम रूट लेंगे केदारनाथ वाली। बाकी आपको संगम के दर्शन करा के के मेन मार्केट में देख सकेगा। और यहीं पे थोड़ा सा आगे बस 100 मीटर आगे मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है। तो कीजिए दर्शन रुद्रप्रयाग के। और ये मेन जो है पीपल का पेड़ देख सकते हो आप, ये है मेन पॉइंट रुद्रप्रयाग का। लेफ्ट ले ले रहा है। अब आएगा संगम पॉइंट, उसके भी दर्शन कराते हैं आपको। देख सकते हो मेन मार्केट है रुद्रप्रयाग का, और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। ये वाला जाता है केदारनाथ के लिए, और ये रूट जाता है बद्रीनाथ के लिए सीधा। ये वाला रूट बद्रीनाथ के लिए, और ये लेफ्ट में केदारनाथ के लिए। बिल्कुल सीधा रूट है बद्रीनाथ का। तो जा रहे हैं अभी केदारनाथ की तरफ, और इधर ही है संगम पॉइंट मंदाकिनी का और अलकनंदा का। तो दोस्तों ये है, देख सकते हो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। ये अलकनंदा नदी है, और आगे है संगम। तो दिखाते हैं आपको संगम पॉइंट भी। तो अभी ले चलते हैं आपको संगम के पास, और कराते हैं दर्शन मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का। तो यहाँ पहुँच चुके हैं संगम के पास, और कराते हैं आपको दर्शन नीचे चल के। तो कीजिए दर्शन संगम के। और बाकी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख सकते हो आप घाटों का। ये राजे भगवान रुद्रदेव का मूर्ति, भोलेनाथ का। ये आपको काला पत्थर दिख रहा है, ये नारद शिला। नारद जी ने यहाँ पे बैठ के तपस्या किया था। तो अब चलते हैं केदारनाथ की तरफ। जय माँ गंगे। आप सामने पर्वतों के नज़ारे देखिए, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं पर्वतों पर। और ये देख सकते हो आप, यहाँ ऊपर बर्फ के पहाड़ दिख रहे होंगे आपको। पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमा हुआ है। दोस्तों खाना खाने का नंबर आ गया है, तो अभी ऑर्डर किया हमने 3 थाली खाना। आ जाओ रे। तो खाना वगैरह खा लिया हमने, ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये वो होटल है जिसमें हमने खाना खाया। 120 रुपये की प्लेट है खाने की, दाल रोटी सब्जी चावल मिलती है। और ये गुप्त काशी से 15 किलोमीटर पहले है। बाइक से आने में ये बेनिफिट है कि आप जाम में नहीं फंस सकते हो। बाकी आप देखो कितना लंबा जाम लगा हुआ है, ये बेनिफिट रहता है बाइक का। रिस्क तो है थोड़ा बहुत, लेकिन बाइक पे आप जाम से बच जाओगे। जाम देख सकते हो दोस्तों, ऐसे जाम लगते हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी कठिन रास्ता है, 30-35 किलोमीटर का। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी, और ये गुप्त काशी है, देख सकते हो आप। और जो गुप्त काशी का मेन मार्केट है वो यहाँ से आधी किलोमीटर दूर है। अभी मार्केट भी आने वाला है, तो आपको दर्शन कराते हैं मार्केट के। बाकी यहाँ होटल वगैरह की व्यवस्था भी बहुत है, रुकने की अच्छी व्यवस्था है, रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काशी का मेन मार्केट आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर है मार्केट, नज़ारे गजब के हैं मार्केट के। तो कीजिए मार्केट के दर्शन। और गौरी कुंड की दूरी है यहाँ से 33 किलोमीटर, और केदारनाथ टेम्पल की जो दूरी है वो है 47 किलोमीटर। तो देख सकते हो आप। यही है मार्केट गुप्त काशी का, ये है मेन मार्केट। बाबा की नगरी का जय भोले की, भोले की काले तेरा सूट हो रहा भाई। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सीतापुर, देख सकते हो। यहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, होटल मिल जाएंगे बहुत सारे, और यहाँ पे आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। आप अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर सकते हो सीतापुर में। और ये देख सकते हो, ये सामने पार्किंग है, तो ये सीतापुर है। और इसके बाद है 2 किलोमीटर बाद है सोनप्रयाग, वहाँ भी पार्किंग की अच्छी फैसिलिटी है, तो सभी तकरीबन वहीं रुकते हैं। वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलता तब यहाँ रुकते हैं सीतापुर में। तो अभी चलते हैं हम सोनप्रयाग। दोस्तों देख सकते हो, ये सोनप्रयाग की पार्किंग है। तो देखिए ये है पार्किंग सोनप्रयाग की, और नीचे ऊपर बिल्कुल गाड़ी गाड़ी दिखेंगे आपको। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं सोनप्रयाग, और ये सोनप्रयाग की पार्किंग है, देख सकते हो। तो हमारी राइड यहां पे ख़त्म होती है, तो आपसे मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।